दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बकरी का इलाज और देखभाल में। साथियों आज हम एक ऐसी बकरी के पास खड़े हैं जिसकी गर्दन देखो आपको साफ दिखाई दे रही है, मुड़ी हुई है, एकदम से घूम गई है, जैसे बैंड हो गई है। ये देखिए बिल्कुल इस व्यू से थोड़ा कम दिख रहा है, इधर हम देखेंगे ना इस व्यू से साफ दिख रहा है। ये देखो एकदम से घूम गई है। बाकी स्थिति इसकी ठीक लग रही है, बाकी अगर देखें तो ठीक लग रही है, लेकिन बैठ नहीं पाती। अगर ज़बरदस्ती बैठा दी जाती है तो ज़ोर से आवाज़ करती है, चिल्लाती है और वापस खड़ी हो जाती है। क्यों? यानी ऐसा लग रहा है कि इसकी जो जितनी भी नसें हैं वो एकदम से टाइट हो गई है। ये साथियों कई बार चोट लगने की वजह से भी हो जाता है, जो कि ठीक होना थोड़ा मुश्किल रहता है। उसके लिए दर्द निवारक इंजेक्शन हमें 2-3 दिन लगाने पड़ते हैं और कई बार ये विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो आज हम जो इसका इलाज करेंगे उसमें विटामिन की कमी वाला भी इलाज करेंगे और साथ में जो चोट के लिए हम दर्द निवारक देते हैं जैसे कि मैग्लूडाइन देते हैं, तो मैग्लूडाइन जो है वो भी हम इसको लगाएंगे, जिसमें फ्लूनिक्जिन मैग्लूमाइन होता है। तो फ्लूनिक्जिन मैग्लूमाइन दर्द के लिए लगाएंगे और बाकी सारी चीज़ें हैं वो ड्रिप के माध्यम से यानी फ्लूड थेरेपी के माध्यम से हम इसको लगाएंगे। साथियों फ्लूड थेरेपी कैसे लगाते हैं, कैसे हमें ड्रिप लगाना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में हमने अलग वीडियो में जानकारी दी थी, जो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लें। इस बकरी के जो इंजेक्शन हमने लगाए हैं वो ड्रिप में हमने लगा दिया है, ट्राइविवेट लगा दिया है 5 ml, इसके अलावा हमने न्यूरोकाइंड इंजेक्शन लगाया है 3 ml, इसके बाद हमने ऑक्सी लगाया है 3 ml और डेक्सामेथासोन भी 2 ml लगाया है। साथियों ये प्रेग्नेंट नहीं है, अगर ये प्रेग्नेंट होती तो हम ऑक्सी और डेक्सा की जगह हमें दूसरा इंजेक्शन जैसे सेप्ट्रिजोन है वो काम में लेना पड़ता, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं है इसलिए हमने ये लगा दिए हैं और ये ड्रिप लगा दिए। इसको ड्रिप लगाने का तरीका आप उसमें देख लें, उस वीडियो में एकदम से पूरा क्लियर बताया हुआ है, 8 मिनट का वो वीडियो है, क्योंकि बार बार यही चीज़ें बताना सही नहीं रहेगा। तो ये आप इसमें देखें, ये ड्रिप लग गई है, आराम से लेटी हुई है, ये लेटा तो हमने दी है, लेटाने के बाद कोई हलचल नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से हम इसका पूरा इलाज करेंगे। मस्कुलर लगाते समय हम ध्यान रखेंगे क्योंकि गर्दन बैंड है, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से पालपेट करके यानी हमें निश्चित कर लें कि मस्कुलर ही लग रहा है इंजेक्शन, वो किस प्रकार से करना है वो भी मैंने अलग वीडियो में जानकारी दी थी। अब देखिए इसका फीडबैक, ये 2 घंटे बाद का फीडबैक हमें भेजा है। ये देखिए इसमें बिल्कुल आराम से ये खाना कर रही है, मतलब जो नीम की डाली इन्होंने इसको खिला रखी है, खिला रहे हैं, ये खा रही है आराम से, देखो बिल्कुल आराम से खा रही है। अभी भी गर्दन तो इसकी बैंड है, गर्दन में थोड़ा सा घुमाव हमें अभी भी लग रहा है। कई बार साथियों चोट की वजह से जब होता है ना तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, उसमें हमें फिर 2-3 दिन इलाज करना पड़ता है। ये देखिए यह है 24 घंटे बाद आराम से बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको कल कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी, बैठे बैठे आराम से जुगाली करती दिखाई दे रही है। देखो ये अभी फीडबैक हमें वापस भेजा है पशुपालक ने, ये अब इसकी गर्दन भी बिल्कुल सीधी हो गई है और खाना पीना बराबर कर रही है। इसका मतलब विटामिन की कमी की वजह से ही ये हुआ था और हमने सही डायग्नोस करके सही ट्रीटमेंट लगाया है, तो ये बिल्कुल तैयार जैसे लग रही है एकदम से। मालिक ने बताया बराबर खाना पीना भी कर रही है, इधर उधर घूम भी रही है, बच्चों को दूध भी पिला रही है, सब कुछ एकदम से ठीक लग रहा है।